नमस्कार साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर आप लोगों ने उठा के देखे होंगे और उन्हें आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा। अगर आप लोगों ने ऐसा किया हुआ है तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारे देश में देश के जो आपके पुरस्कार होते हैं, सम्मान होते हैं, या फिर आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं उनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते रहते हैं। आप लोग देख लीजिए, सिविल सर्विस ले लीजिए, यूपीएससी, कहने का मतलब स्टेट पीसीएस, जिसमें यूपी पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और भी आपके जो सेंट्रल के एग्जाम होते हैं, एसएससी, रेलवे, या फिर आपके जो स्टेट के एग्जाम होते हैं, जैसे आप देखिए कि पुलिस भर्ती, एसआई दरोगा या शिक्षक भर्ती, तो इनमें भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। और देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हैं तो उस समय ओल्ड पेपर यानी पुराने क्वेश्चंस पेपर और सिलेबस उठा के अपने पास जरूर रखते हैं, आप लोग जरूर उसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्यों बात कर रहे हैं ऐसी, तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि हाल ही में ही प्रोफेसर प्रोफेसर नीना गुप्ता को विकासशील देशों की युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन तो आपका इस लाइन में ही मिल गया, आपसे पूछा जा सकता है कि किसे रामानुजन पुरस्कार हाल में ही दिया गया है, तो प्रोफेसर नीना गुप्ता को। वह कोलकाता में अखिल सांख्यिकी संस्थान में गणितज्ञ हैं, यानी कि गणित की टीचर हैं, और उन्हें एफाइन बीजीय ज्यामिति और कम्यूटेटिव बीज गणित में उत्कृष्ट कार्य के लिए ये सम्मान दिया गया है। और आपको बता दूं कि वह रामानुजन पुरस्कार पाने वाली तीसरी महिला बन गई, तीसरे नंबर की महिला है। और इसके पूर्व आप देखेंगे तो जारिस्की कैंसलेशन समस्या, जो कि बीजगणितीय ज्यामिति में एक मूलभूत समस्या है, को हल करने के लिए उन्हें राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का वर्ष 2014 का युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया था। तो ये रीना नीना गुप्ता के बारे में ये पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। अगर हम लोग रामानुजन पुरस्कार की बात करें तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा कि विकासशील देशों की युवा जो युवा गणितज्ञ होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जो युवा टीचर होते हैं, इनके लिए एक तरह से रामानुजन पुरस्कार 2005 से प्रतिवर्ष प्रदान किया गया था। और आपको बता दूं कि इस पहली बार 2005 में दिया गया था। और यह पुरस्कार अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स द्वारा भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ के साथ संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है। तो याद रखिए, जो भी संस्था जिस भी पुरस्कार को देती है तो उस संस्था के बारे में भी आप लोग याद रखा करिए। अगर हम लोग सिद्धांतिक भौतिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की बात करें, यानी कि ICTC TP की बात करें, तो इसकी स्थापना 1964 में नोबल विजेता अब्दुल सलाम द्वारा की गई थी। और यह विकासशील देशों के वैज्ञानिकों को निरंतर शिक्षा और कौशल प्रदान कर अपने जनादेश को पूरा करने का प्रयास करता है। वहीं अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ की बात करें, IMU की, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी और गैर लाभकारी वैज्ञानिक संगठन है, और जिसका उद्देश्य गणित में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। और यह अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद का सदस्य भी है, ठीक है। और इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की बात करें तो इसने वर्ष 2014 में इस पुरस्कार के लिए फंड देने पर सहमति व्यक्त की थी। और DST द्वारा इसका समर्थन गणित में प्रभावशाली श्री निवास रामानुजन की स्मृति में किया जा गया है, और जिन्होंने आदिवित्तीय कार्यों नियंत्रण कार्य, अनंत श्रृंखला और संख्याओं के विश्लेषणात्मक सिद्धांत में शानदार योगदान किया था। और इसके पात्रता और पुरस्कार की बात करें कि इसके लिए इस पुरस्कार के लिए कौन पात्रता होनी चाहिए, तो यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को विकासशील देशों के उस शोधकर्ता को प्रदान किया जाता है जिसकी आयु पुरस्कार प्रदान किए जाने वाले वर्ष तक 45 वर्ष से कम हो और जिसने एक विकासशील देश में उत्कृष्ट शोध किया हो। तो सीधी सी बात याद रखिए, जिसकी उम्र 45 साल से कम होती है उन्हीं लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। गणितीय विज्ञान की किसी भी शाखा में काम करने वाले शोधकर्ता इसके पात्र हो सकते हैं। और इसमें आप देखिए, 15,000 अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार दिया जा सकता है, और इसे आप लोग
75 रुपये चल रहा है आपका डॉलर, तो उसमें आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, वहां से आप लोग समझ सकते हैं। अगर हम लोग श्रीनिवासन के बारे में बात करें, श्रीनिवास रामानुजन के बारे में, तो इनका जन्म कब होता है? 22 दिसंबर 1887 को। कब? रामानुजन का जन्म कब होता है? 22 दिसंबर 1887 को। इरोड गांव चेन्नई से 400 किलोमीटर दूर होता है, जब तब आप मद्रास के नाम से इसे आप लोग जान लेते थे, ठीक है। वर्ष 1913 में उन्होंने ब्रिटिश गणितज्ञ गॉडफ्रे एच हार्डी के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया, जिसके बाद वे ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज चले गए थे। और रामानुजन ने संख्याओं के विश्लेषणात्मक सिद्धांत में पर्याप्त योगदान दिया और दीर्घ वित्तीय कार्यों पर भी काम किया। उन्होंने पूर्ण संख्या, हाइपर ज्यामितीय श्रेणी और यूलर स्थिरांक में विभाजन पर भी काम किया। उनके पत्र अंग्रेजी यूरोपीय पत्रिकाओं में विकसित भी हुए थे और वर्ष 1918 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के लिए उनका चयन भी हुआ था। और भारत लौटने के बाद लंबी बीमारी के कारण 26 अप्रैल 1920 को मात्र 32 साल की एज में उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है। और भारत में प्रतिवर्ष महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, तो 22 दिसंबर को ये मनाया जाता है। और जो श्रीनिवास रामानुजन थे, इनकी जयंती पर, इनके जन्मदिन पर एक तरह से, ठीक है। तो ये पॉइंट मुझे लगता है कि आप लोग याद भी रख पाएंगे, ठीक है। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए।